दो प्यार करने वाले जंगल में खो गए। बागी बने, पागल बने, दीवाने हो गए। न दिन का पता, न रात की खबर, बस एक दूसरे की बाहों में खोए हुए मदहोश। कुछ यूं शुरू हुई करण और तेजस्वी के अनोखे प्रेम की जबरदस्त कहानी। तो चलिए, आज की हमारी इस खास पेशकश में हम आपको सुनाते हैं तेजरन की क्यूट लव स्टोरी। एक ही फील्ड में काम करते हुए दोनों एक दूसरे से थे अनजान। बिग बॉस 15 के घर में हुआ इनके अनोखे प्यार का आगाज। बस हाय हेलो से शुरुआत हुई, धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगे। बिग बॉस 15 में 15 लोग होने के बावजूद दोनों बने बिग बॉस के टॉप 2 कंटेस्टेंट्स, जिनकी चर्चा हुई आम। करण की सुबह तेजू, शाम तेजू, रात तेजू। टास्क के दौरान भी दोनों डटकर मुकाबला करते। करण से तेजू उम्र में तकरीबन 7 साल छोटी है। शायद इस वजह से करण तेजू को लेकर काफी प्रोटेक्टिव और पोजेसिव रहते हैं। जब जब तेजू का किसी भी घर वाले के साथ झगड़ा होता है, करण जाकर उन्हें समझाते हैं। तेजू बच्ची है, बहुत सेंसिटिव है। वही जब जब करण का किसी घर वाले के साथ झगड़ा होता है, तब तेजू करण के सपोर्ट में लड़ पड़ती है। फिर चाहे करण गलत ही क्यों ना हो, दोनों एक दूसरे के साथ काफी वक्त गुजारते हैं। करण ने प्यार से तेजू को एक इविल आई वाला पेंडेंट भी दिया और इस तरह से उनके बीच नजदीकियां और बढ़ने लगी। तेजू को करण का शमिता शेट्टी से बात करना पसंद नहीं, वही करण को तेजू और विशाल की दोस्ती से हुई एतराज। दोनों के बीच इस बात को लेकर कई बार तू-तू मैं-मैं भी हुई, पर वो कहते हैं ना कि हम लड़ते भी उससे है जिससे हम प्यार करते हैं। वो इश्क ही क्या जिसमें जुनून ना हो। अब जहाँ तेजू की लव लाइफ को लेकर कोई खबरें नहीं थी, वही करण की लव लाइफ एक खुली किताब थी। करण अपने पास्ट रिलेशनशिप्स की वजह से कई सारे कॉन्ट्रोवर्सीज का भी शिकार हुए। करण ने बिना अपनी एक्स गर्लफ्रेंड्स का नाम लिए तेजू को अपने रिश्ते के बारे में बताया और तेजू ने आग बनकर करण पर भरोसा दिखाया। एक दूसरे के प्यार में दोनों डूबे, खुल्लम खुल्ला अपने इश्क का इजहार भी किया, पर लोगों को लगा कि दोनों ही गेम में आगे बढ़ने के लिए अपना फेक प्यार दिखा रहे हैं। दिन ब दिन गुजरता गया और तेजरन का बॉन्ड बढ़ता गया। जी हाँ, तेजू और करण के फैंस ने उनकी जोड़ी को तेजरन का नाम दिया। दोनों कई बार सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी हुए। फिर आया इनकी लव स्टोरी में ट्विस्ट, जब घर में आए वीआईपी मेंबर्स रश्मि, देवोलीना, अभिजीत, राखी और उनके पति रितेश। देवोलीना ने एक टास्क के दौरान तेजू पर कीचड़ डालते हुए इल्जाम लगाया कि उन्हें तेजू के गेम में करण के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता, और ये भी कहा कि तेजू करण के बिना कुछ भी नहीं है। वही दूसरी तरफ राखी के पति रितेश ने तेजरन पर ही इल्जाम लगाया कि उन्हें तेजरन की जोड़ी फेक लगती है। दोनों शो में दिखने के लिए फेक लव स्टोरी ऑडियंस को दिखा रहे हैं। करण ने इस बात का जवाब देते हुए रितेश पर यह इल्जाम लगाया कि वो खुद अपनी शादी से भाग गए, बीवी से बढ़कर किसी के लिए कुछ नहीं होता, और दोनों में बहस शुरू हुई। तो राखी ने नेशनल टेलीविजन पर करण पर यह इल्जाम लगाया कि करण ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड्स को धोखा दिया है, हम सबको पता है। तेजू ने भी ये बात सुनी। करण ने कभी कुछ तेजू से छुपाया नहीं है, उन्होंने भी कहा हाँ दिया है। दूसरी तरफ तेजू ने यह ऐलान किया कि वो भी आशिक है करण की, सिर्फ करण ही नहीं, दोनों में जज्बात बराबर के हैं। मीडिया इंटरेक्शन में भी जहाँ एक के बाद एक कई सारे सवाल दोनों के रिलेशनशिप पर उठ रहे थे, पर दोनों हंसते मुस्कुराते हुए सभी को जवाब दिया कि हाँ, हम एक दूसरे के लिए काफी खास है। वीआईपी रूम में भी दोनों गए साथ और निकले भी साथ। छोटी मोटी लड़ाई दोनों के बीच होती है और फिर दोनों साथ हो जाते हैं। तेजू में काफी ज्यादा बबली और बचपना देखने को मिल जाता है। वही करण तेजू को लेकर काफी ज्यादा पॉजिटिव होने लगे और कुछ हद तक वो तेजू को कंट्रोल भी करने लगे। दोनों का गेम फीका पड़ने लगा। फैंस भी गेम में इनके आउटपुट से खुश नहीं थे। वीकेंड का वार एपिसोड में देखा गया कि सलमान खान करण पर काफी बरसे, ये कहते हुए कि करण का बिहेवियर तेजू के लिए सही नहीं है, करण तेजू को कंट्रोल कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, सलमान खान ने ये भी कह दिया कि करण का बिहेवियर ऐसा ही रहा तो घर से बाहर निकलते ही दोनों एक महीने भी साथ टिक नहीं पाएंगे। करण काफी अपसेट हुए, पर तेजू ने फिर भी उन्हें संभाला और सहारा दिया। रूठना मनाना ये तो है प्यार की अदा। दोनों का रिश्ता अब इतना स्ट्रांग है कि तेजू के भाई प्रतीक ने इनके रिश्ते को हरी झंडी दे दी है। स्पॉट बॉय से बात करते हुए तेजस्वी के भाई प्रतीक ने कहा कि तेजस्वी और करण के बीच का रिश्ता असली और पवित्र है।
उन्होंने ये भी कहा कि तेजस्वी इतनी स्मार्ट और मैच्योर है कि अपने फैसले खुद ले सकती है। उनका कोई भी फैसला हो, फैमिली हमेशा सपोर्ट करेगी। जब तेजस्वी और करण के बारे में पूछा गया तो प्रतीक ने कहा कि अगर ये दोनों एक दूसरे से शादी करते हैं तो परिवार को कोई समस्या नहीं होगी। कुछ ऐसी है तेजरन की ये अनोखी लव स्टोरी। अब देखना ये है कि घर के बाहर आते ही दोनों अपने रिश्ते को कैसे निभाते हैं और बिग बॉस 15 की ट्रॉफी किसके हाथ आती है। क्या कहना है आपका तेजरन की इस अनोखी लव स्टोरी पर, बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। और ऐसी ही ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहे टेली मसाला।